बाजार से लगे ग्राम गोट खपरी के ग्रामीण आज अपने यहाँ के तालाब जहरीकरण कार्य को देखकर बेहद खुश हैं। आपको बता दें, इमामी सीमेंट कंपनी के सामाजिक सरोकार योजना के तहत यहाँ पर तालाब गहरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते ग्रामीण खासे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विगत 40 सालों से इस तालाब की सफाई और गहरीकरण नहीं हुआ था, जिसके चलते तालाब में बदबू गंदगी भी पटी हुई थी और इसके पानी से लोगों को खुजली भी हो रही थी। विधायक प्रमोद शर्मा से निवेदन करने पर उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से इमामी सीमेंट कंपनी के द्वारा गहरीकरण कार्य प्रारंभ करवाया, जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिलने के साथ ही सिंचाई की सुविधा और मछली पालन हो सकेगा, साथ ही ग्रामीण यहाँ नहाने से होने वाली तमाम बीमारियों से भी बच सकेंगे। ये साफ सफाई का कुछ इसमें वो नहीं था, यानी कि साफ सफाई कोई ध्यान ज्यादा नहीं दे पा रहे थे और बहुत ज्यादा गंदगी हो गया था। मैं पूर्व में बहुत गंदगी थी, तो वो गंदगी जो है शहरीकरण के द्वारा साफ किया जा रहा है, निकल जा रहा है। तालाब को थोड़ा गहरीकरण किया जाए, जिससे पानी का रिचार्ज पॉइंट बढ़े, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने अभी तक दो तालाबों का कार्य प्रारंभ किया है।